हिम्मत मत हारो, हम मंजिल के बहुत खली अंधे को सब्र एहना खलास हरबना नौसल हदफ। करो, चलते रहो चलते रहो। नहीं जमाल, इसे जाने दो। ही सांस में पियोगे तो मर जाओगे, और जिसका सांस ही एक रह गया हो। तुम हो कौन? जो तुम हो, यहां फिरौन मनकूरा के खजाने की तलाश में आए हो ना? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं खजाने का लालची नहीं हूं, मुझे तारीखी चीजें जमा करने का शौक है। मैं यहां देवता जंबील का मंदिर देखने आया हूं जो तेल की खुदाई में निकला है। तुम अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लेकिन तुम्हें वहां से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए वहां से सब लोग जा चुके हैं। वहां कदम कदम पर मौत खड़ी है, पत्थर खुद ब खुद बोलने लग जाते हैं और मूर्तियां जिंदा हो जाती हैं, और फिर मेरी आंखें। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू, आओ
Thank you.
जादू की कहानी कहूंगा। नहीं, जादू नहीं शायद, इसे तुम उनका दिफाई निजाम कह सकते हो, क्योंकि यह बात तो मुसलमान है कि आज से हजारों साल पहले भी मिस्र के लोग बेहद तरक्की याफ्ता थे। मेरी जिंदगी में बड़े दिलचस्प वाकयात आए, बड़े अजीब और गरीब हालात उभर कर सामने आए, लेकिन यह वाकया शायद मैं जिंदगी भर कभी ना भुला सकूं। सर, यह आप ही का हौसला था कि आप वहां से जिंदा वापस आ गए। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, लेकिन सच्ची लगन रखने वाले कभी नाकाम नहीं रहते। सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा सर, वो कदीम नुस्खा जो आपको मिला उसमें तहरीर क्या है? यकीनन खजाने का राज, लेकिन वैसी कदीम मिस्री जबान में है जिसे ना मैं पढ़ सका और ना समझ सका। मेरे ख्याल में उसमें सेटी अव्वल के दौर के उन आसार की निशानदेही की गई है जो अभी दरियाफ्त नहीं हुए। जी, आप खलील आरावी हैं, आपका ताल्लुक मिस्र के महकमा आसार कदीमा से, और आप मिस्र से खुसूसन आपसे मिलने के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। अहलन व सहलन या अखुया। अहलन व सहलन प्रोफेसर अली। आई प्रोफेसर साहब, इनके आने का मकसद तो मैं आपको टेलीफोन पे बता चुका हूं। ये आपके कारनामों से बखूबी वाकिफ हैं, और इन्हें इस बात का भी इल्म है कि ये जिस मिशन पे आपको भेजने वाले हैं उसकी एक अहम कड़ी, वो कदीम चर्मी नुस्खा आपके पास है। आई सी। मुझे अफसोस है मिस्टर अराबी कि इस मिशन पर मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगा। फरहान आयत की कदीम तहजीब का मुताला मेरा शौक जरूर रहा है, मगर मुझे कभी भी खजानों में दिलचस्पी नहीं रही। मेरे नजदीक असल खजाना प्यार, मोहब्बत और इंसानियत है, जो मरने के बाद भी इंसान के साथ रहता है। दौलत से प्यार न मुझे कभी था, न है और न होगा। आपको इस मिशन पर जाने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना बताना जरूरी है कि फिरौन मनकूरा अपने ताबूत में जो बहुत बड़ा खजाना छुपाए मिस्र की सरजमी में कहीं अबदी नींद सो रहा है, उस खजाने की तलाश में बदी की बहुत सी कुवतें निकल खड़ी हुई हैं जो उस खजाने से भी फायदा उठाएंगी और हमें नुकसान भी पहुंचाएंगी। मैं समझा नहीं। कुछ लोग हमारे वजूद को तबाह करना चाहते हैं। मेरा मतलब है इस्लाम के असली दुश्मन यहूदी।
वो अपनी चालाकी और होशियारी से उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोफेसर, अगर ये खजाना उनके हाथ आ गया तो वो उससे मोहलिक हथियार बनाएंगे, वो इस्लामिक ब्लॉक को तबाह कर देंगे। धरो। आप तो ये भी जानते हैं सर, फलस्तीन की आजादी छीन ली गई, इबलाए अव्वल को आग लगा दी गई, यहूदी कैंपों में मुसलमान सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। खुदा उनकी मदद जरूर करेगा मिस्टर आराबी, मैं इस मिशन पर जाऊंगा। सर मिस्र जाने की तैयारी करो, शाहिद तुम साथ चलोगे। ओके सर। قدیم تہذیب اور پرانا دور کے آثار ہمیشہ سے سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز رہے ہیں۔ I hope you will enjoy this journey. Of course, sir. Sir, آپ کو تو آج اپنے ایک دوست سے بھی ملنا تھا۔ Oh, yes. Waiter. लड़कियों के अलावा भी कभी कुछ देख लिया करो। वैसे भी देखने के लिए लड़की से अच्छी और क्या चीज हो सकती है सर? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, दिखाऊंगा तुम्हें, आओ। Yeah.
बचाए रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यल्ला 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 मुश्किल यल्ला मजनून। अली जमाल अली कब आए हो? मेरा ताकुब हो रहा है। नहीं जमाल, तुम्हारा उन लोगों के सामने आना ठीक नहीं। शाम 7 बजे अहराम में मिलो। खुदा हाफिज। जमाल, जहां तक मेरे इल्म है, मिस्र में आज भी एक ऐसा खानदान मौजूद है जो फराना अहद की दस्तावेजात के बारे में मुकम्मल और भरपूर इल्म रखता है। क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? कदीम दस्तावेजात? मैं एक ऐसे आलिम को जानता हूँ जो पुराने मिस्र में रिहायश पजीर है। कहाँ मिल सकता है? हाँ, जामिया मोहम्मद अली। हाँ, जामिया मोहम्मद अली। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم تعال تعال علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها تعال تعال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبة ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء السلام عليكم. وعليكم السلام. मेरा नाम प्रोफेसर अली है। गैर मुल्की मालूम होते हो? जी, मैं पाकिस्तान से आया। हाँ, अहलन वसहलन, आइए। आपका मुल्क उन चंद मुल्कों में से एक है जहां कदीम तहजीब और इस्लामी रवायात आज भी जिंदा है। हमें अपनी रिवायात पर फख्र है। हम एक मुकम्मल इस्लामी मुआशरे की तश्कील की कोशिशें कर रहे हैं। दिल खुश कर दिया आपने। मिस्र कैसे आना हुआ? कदीम इंसानी तहजीब का मुताला मेरी जिंदगी का मकसद है। सदियों की गर्द तले दफन जमीन के सीने से जब भी कोई गुमशुदा बाब मिलता है, उसे समझने की जुस्तजू आप जैसे लोगों तक ले आती है। तफसील से बात करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे आपका कीमती वक्त चाहिए। कदीम ज़बाने जानने का फन मुझे विरसे में मिला है और इस फन की तकमील और शौक के खातिर मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है प्रोफेसर। पुरिसरार कहानियां और वाकयात भी मेरी जिंदगी के साथ साथ रहे हैं। लालच और हवस के मारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो इस पोशीदा खजाने का राज जानने के लिए मेरे पास आते रहे, लेकिन महसूस ये हुआ कि असल खजाना ईमान, मोहब्बत और अल्लाह की इबादत है।
ये सुमायरा है, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी। अहलन व सहलन। अहलन व सहलन। आपको ये जानकर हैरत होगी, मैंने शादी हमालिया के उस सिलसिले में की थी जो आपका मुल्क है, जहाँ के आप रहने वाले हैं। सुमायरा आपकी जबान के कुछ लफ्ज बोल सकती है। बहुत खूब। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी अपनी मेजबान से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो मेरा बेटी, बेटी ये हमारे मेहमान हैं। जी। तुम इनके लिए कावा बनो, हमने कुछ बातें करनी है। जी। शाबाश। आई आइए। तुमसे पहले भी कुछ लोग मेरे पास आए थे, पुरेसरार अजनबी चेहरे, उनके पास भी इससे मिलती जुलती कदीम जबान में कुछ तहरीरें थीं, जिससे साफ जाहिर होता था कि फिरौन रमसीस का बहुत बड़ा खजाना वादी मलकूत, जिसे वैली ऑफ क्वींस भी कहा जाता है, जहां फिरौनों के मकाबिर हैं, उनमें से कहीं एक मदफन में यह खजाना मौजूद है। लेकिन इस पर यह क्या तहरीर है, ये नुक्तों, दायरों और लकीरों की शक्ल में क्या लिखा है? खजाने तक पहुंचने का नक्शा, जो बना है वो पहचान है देवता सैलूस की। ये दायरे, ये नुक्ते, ये तहरीरें खजाने तक पहुंचने का रास्ता जाहिर करती हैं। वैली ऑफ क्वींस के शुमाल में फिरौन हेलियोसारा का मदफन है। उस मंदिर के वस्त में काले रंग का पत्थर है, संगे स्याह, उसके नीचे वो नक्शा महफूज है जो देवता सैलूस के मंदिर तक जाने का रास्ता जाहिर करता है। जहां खजाना दफन है, उस मंदिर की पहचान। गॉड, याद रखना, इस महल में आने का एक ही रास्ता है, और जाने के कई रास्ते हैं जो सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं।
इतने जालिम मत बनो कामरान, सुमेरा हमें सब कुछ बता देगी। बताओ तुम्हारे बाबा और उस अजनबी के दरमियान क्या बातें हुई थी? मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती मेरा बाबा और वो अजनबी क्या बातें कर रहे थे। आई सी, तो तुम्हें कुछ नहीं पता। पास आओ। चाकू है तुम्हारे पास? इसे निकालो। खोलो। अपनी शेर रग पर रखो। Cut your throat off. चलो यकीन हुआ कि तुम कुछ नहीं जानती। इतबार आया कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर जान जाओगी तो बताओगी ना? Yes, yes. Good. आज के बाद तुम उस अजनबी के साथ साय की तरह रहोगी, और वो भी इस एहसास के तहत कि तुम्हारा बाप उसकी गोली से मारा गया, तुम्हें दिलो जान से अपने पास रखेगा। हाँ, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी। कामरान ले जाओ इसे, मगर इसे प्रोफेसर तक इस तरह पहुंचाओ कि कोई सोच भी न सके कि इसे हमने भेजा है। लेकिन सर, अब अपनी मुहिम का रुख क्या होगा? मेरे नजदीक इस मुहिम से ज्यादा अहम सुमेरा है। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। मुझे यकीन है कि मैं कातिलों तक जरूर पहुंच जाऊंगा।
ये सब कैसे हुआ? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। सुमेरा बेटा, काहिरे में तुम्हारा कोई अजीज रिश्तेदार? नहीं, एक चाचा है अफ्रीका में, यूनिवर्सिटी में इस्लामी तारीख पढ़ाते हैं। सुमेरा बेटे, जो कुछ भी हुआ, हालात जो रुख में इख्तियार कर गए, उनके लिए मैं खुद को तुम्हारा मुजरिम समझता हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी की तरह हो, हमारे साथ रहोगी। तुमसे मेरी एक दरखास्त है सुमेरा बेटे, सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल का बोझ हल्का कर सकती है। सर, मोहतरमा की हसीन मुस्कुराहट आपके दिल का बोझ तो हल्का कर देगी, पर साडा की बनेगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बकवास मत करो, ये मुस्कुराए सुमेरा। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं मोहतरमा को जरा शॉपिंग सेंटर तक ले जाऊं, कुछ कहकहे खरीदे हैं मैंने इनके लिए। हाँ ठीक है सुमेरा, तुम इसके साथ जाओ, ये हमक यूं ही तुम्हारा दिल बहलाता रहेगा। आइए आइए, आ सुनिए। अली, सुमेरा कुछ खौफजदा सी नजर आती है। हाँ, कातिलों के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? दुश्मन बहुत मोहतात है जमाल, काबू तो आएगा लेकिन जरा मुश्किल से। खुदा तुम्हें गारत करे। नवाजिश, जाहिल। थैंक यू वेरी मच। ये क्या हो रहा है भाई? वो सर, आपके होनहार शागिर्द की तारीफ हो रही है। वैसे मैंने आपके जूते पॉलिश कर लिए हैं और यहाँ भी हालात काबू में हैं। हटो बदतमीज। काबू में है सर, बिल्कुल काबू में। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? ये है सर, हर वक्त मुझसे टकराते रहते हैं, इसको समझाइए ना आप। ओहो, अच्छा चलो, मैं माफी मांगता हूँ, अब ठीक है, जाओ जाओ शाब। बच्चे हो अभी, गालियां ही खाओगे लड़कियों से। ये हाथ कितने गंदे हो रहे हैं तुम्हारे, जाओ धो, चलो। मिस्र की तहजीब और तमद्दुन के बारे में ये एक दिलचस्प मालूमाती किताब है, जरूर पढ़ो। ओके, आज हम अपनी बेटी को नील पे लेके चलेंगे, राइट? हाँ, हेलो, दरियाए नील पर। हाँ, आज शाम। क्या देख रही हो? आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। प्रोफेसर, वो कहाँ है?
वो नहीं आएंगे, वो कहते कुछ हैं करते कुछ और। ए, ए, इसमें परेशान होने की क्या बात है, अगर प्रोफेसर नहीं मैं तो हूं। ओहो सुनो तो सही, देखो जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था ना तो मेरे तो होश उड़ गए थे। What nonsense? Nonsense नहीं, इसे हमारी जुबान में इश्क कहते हैं। ये खूबसूरत जगह, ये हसीन माहौल, दरियाए नील का किनारा और तुम्हारा हसीन साथ। हटो पीछे। चलो। Hey, look, look समीरा। I love you. हाँ सुनिए, लुट लेता ही परदेसी नू। देखो समीरा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी ना तो मैं दरिया में छलांग लगाकर जान दे दूंगा। आई मीन आई विल जंप इन द रिवर एंड आई विल डाई। देन गो। है चाहे मुझसे दुनिया रूठे,
कर दे, दिल परदेसी के नाम कर दे, दिल परदेसी के नाम कर दे। प्रोफेसर वहां नहीं पहुंचा, तुमने इतना गलत क्यों दी? मुझे ही बताया था। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, समझी? कहां चली गई थी वो? मैं क्यों, क्या बात है, परेशान क्यों हो? नहीं वो ऐसी तो कोई बात नहीं। ओह मैं तो डर ही गया था। आओ चलो। तुम पे रहम करें, हुकूमत ने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी। उन्हें शक हो गया है कि तुम शिरके की आड़ में किसी और काम में मसरूफ हो। सो व्हाट? वो ठोस सबूत चाहते हैं। सबूत? वो प्रोफेसर भी मेरी खोज में है, देखा जाएगा।
लिहाजा ये बेवकूफ लोग समझते हैं कि मैं यहां तेल की तलाश में आया। मेरी तहकीक के मुताबिक खजाने का मदफन यहीं कहीं है। ये चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन सही निशान नहीं मिला। ये तो ठीक है लेकिन हुकूमत और कमान फादर, क्या हर वक्त हुकूमत हुकूमत करते रहते हो? माइंड यू फादर, आइंदा मुझे खौफ सदा करने की कोशिश मत करना, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब। खुश मुहिम या हजरत ले खाहिफ खुश मुहिम। तमाम या हजरत कुल तमाम। ये आंखें, इस शख्स को पहले भी कहीं देखा है। पीछा करो इसका।
पाकिस्तान जाऊंगी। ओ सत्के तेरे सोनिए खुश कीता ही। उर्दू सीख ले, हाली ते तेनु पंजाबी भी सिखानी है। बाकी का सबक टेलीफोन के बाद। ओके। हेलो सर, आप कहाँ हैं इतने दिनों से? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समीरा जी, वो भी बिल्कुल ठीक है। मैं आजकल उसे उर्दू सिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बड़ी जहीन बच्ची है, पाकिस्तान जाने का इरादा है उसका। सर वो हम सिकंदरिया चले जाएं। समीरा की कुछ सहेलियों ने इनवाइट किया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।
और चालाक हो तुम, हमसे पहले संगे सा तक पहुंच गए। ला ये नक्शा मुझे दे दो। मुझे खजाने से कोई दिलचस्पी नहीं है फाराबी। ये नक्शा तुम्हें इसलिए नहीं दूंगा कि तुम इंसानियत के दुश्मन हो। इजी प्रोफेसर, इजी। एंड यूज योर हेड। एक अरसे से हम दोनों इस राज की तलाश में थे। ऑलराइट, ऑलराइट। तुम्हें तुम्हारी इस मेहनत का हिस्सा मिलेगा। नहीं, लालच और हवस मेरा शेवा नहीं है फाराबी। मैं इस राज को हमेशा ही के लिए खत्म कर दूंगा। No, no. Stop it, Professor!
बच गया प्रोफेसर। नाकामी की दास्तान सुनाने आए हो। जख्मी हो गया तुम्हारी गोली से वो। जानते हो चोट खाया सांप जब पलटता है तो उसके जहर का त्राक नहीं मिलता। चाकू है तुम्हारे पास? से निकालो। खोलो इसे। इसे अपनी शेर रग पर रखो। शेर रग पर रखो अपनी। And now, cut your throat off. तक नहीं पहुंची और जख्म भी कुछ दिनों में भर जाएगा। इसके बावजूद आपको कुछ आराम करना चाहिए। आराम? फाराबी की जहानत का कायल होना पड़ेगा। वह हेलियोसारा के टेंपल तक सही पहुंच गया था, सिर्फ उसे दुरुस्त समत का अंदाजा नहीं था। अगर वो हमसे पहले उस नक्शे तक पहुंच जाता तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता। अब हम मंजिल के बहुत करीब हैं। हाँ, लेकिन इस मंजिल की बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ी। जमाल पाशा की मौत का दुख मैं कभी नहीं भूल सकता। सर, फराबी के खिलाफ तो सारे सबूत मिल चुके हैं, अब तो वो आसानी से गिरफ्तार हो सकता है। तुम्हारा ख्याल है वो अब तक वहीं होगा? नहीं आसिर, फाराबी एक फर्द का नहीं तंजीम का नाम है जिसके कई ठिकाने हैं। इस वक्त वो जख्म खाए सांप की तरह मेरी याद में तड़प रहा होगा। प्रोफेसर को एक छोटा सा झटका देना चाहिए, उसे राह रास्त पे लाने के लिए। लड़की और उसके असिस्टेंट को उठा लो।
दुश्मन हो गए मेरी जान।
जब तक अपने दम में दम है तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यूं लगता है जैसे हम बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। घर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। जब तक सर का कुछ पता नहीं चल जाता मेरे ख्याल में हम कहीं और पना ले लें। मुझे पहचानते हो? पहचान तो मैंने तुम्हें फराना हेलियोसारा के मकबरे ही में लिया था, और यह भी जानता था कि मेरा सामना जिस दुश्मन से है वो जहीन भी है और चालाक भी। पहचान ही लिया है तो हम में दुश्मनी ही नहीं कभी दोस्ती भी थी। याद करो यूनिवर्सिटी में हम दोनों एक ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स थे। मिस्र की पुरानी तहजीब और उसके मदफन। हाँ, लेकिन उस जमाने में तुम मिस्र की पुरानी तहजीब से ज्यादा फिरौनों के मकाबर और उनमें पोशीदा खजानों के राज जानने की जुस्तजू में रहते थे। ठीक है ना, मुझे मिस्र की पुरानी तहजीब से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए पुराने मकाबर में पोशीदा खजाने ज्यादा दिलचस्पी के बाइस हैं। सुनो प्रोफेसर, मैं तुम्हें आसानी से हलाक कर सकता था तुम्हारे घर पर इस सरा में, लेकिन मुझे तुमसे उस कर्मी नक्शे का राज हासिल करना है जो तुमने टेंपल में जला दिया था। प्रोफेसर प्लीज मुझे खजाने का राज बता दो। वो नक्शा तो मुझे याद नहीं रहा। ये इस तरह नहीं मानेगा, ले जाओ इसे और गाड़ दो जलती हुई रेत में, खुद ही राज उगल देगा। ले जाओ। Thank you.
प्रोफेसर, तुम्हारे सारे वजूद में मेरे काम की अगर कोई चीज है तो वो ये खोपड़ी, ये खोपड़ी। इसीलिए मैंने इसे रेत की सतह से ऊपर रखा है। अब तुम भी इस खोपड़ी से काम लो और मुझे खजाने का राज बता दो। खजाने का राज नक्शे में महफूज था और तुम जानते हो कि वो नक्शा जल चुका है। और मैं ये भी जानता हूं कि जलते जलते भी वो नक्शा इस खोपड़ी में नक्श हो गया होगा। यहां यहां प्रोफेसर, यहां तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारा पुराना दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी गैर मामूली जहानत और याददाश्त दोनों को बखूबी समझता हूं। सुनो प्रोफेसर, चंद आड़ी तिरछी लकीरें जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं। मुझे खजाने का पता बता दो, बता दो मुझे खजाने का पता। अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि अगर मुझे मालूम होता तो भी तुम्हें कभी ना बताता। ओ, वैसे ही जिद्दी, वैसे ही अधर्म जैसा यूनिवर्सिटी में था। प्रोफेसर, होश में आओ। जब हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं तो क्यों ना साथ चले। एक ही रास्ता? नहीं फाराबी, नहीं। हम अपने अपने रास्तों के दो मुसाफिर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। मेरा रास्ता खैर का है और तुम्हारा शर का। प्रोफेसर, खजाने का राज बता दो वरना मौत को तरसोगे और जिंदगी से पना मांगोगे। जो खुदा की पनाह में हो फाराबी, वो किसी से कुछ नहीं मांगते। निकालो इसे बाहर, बाहर निकालो इसे। पानी के ये चंद कतरे इस वक्त तुम्हारे लिए यकीनन खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। लो। जरा सोचो तो सही प्रोफेसर, अगर जिंदगी ही न रही तो ऐसी झूठी जिद से तुम्हें क्या हासिल होगा। हमें खजाने का राज
बता दो। हम तुम्हें जिंदगी बख्श देंगे। तुमसे भीख में मिली हुई जिंदगी पर मैं लानत भेजता हूं। आप पको मत। तंजीम से ताल्लुक रखते हो जो हमारे खिलाफ जंग कर रही है, भेस बदल कर हमारे कैंप में तुमने मजदूरी की, हमारी आंखों में धूल झोंकी। सुनो लड़के, हम तुम्हारा ये जुर्म माफ कर सकते हैं अगर अगर वो हमें खजाने का राज बता दे। ये नौजवान तुम्हें बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है। प्रोफेसर, अगर तुम इसकी जिंदगी चाहते हो तो हमें खजाने का राज बता दो। बता दो हमें राज खजाने का। बोलते क्यों नहीं? तुम तो इंसानियत का दर्स देते हो और ये तुम्हारा मोहसिन भी तो है। प्रोफेसर, अगर तुम खजाने का राज नहीं बताना चाहते तो फिर इसकी लाश को तड़पता हुआ देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत खुदगर्ज हो तुम प्रोफेसर, बहुत खुदगर्ज। बताओ खजाने का राज। नहीं प्रोफेसर, नहीं। मेरी जिंदगी तेरे वतन की आजादी से ज्यादा कीमती नहीं। यू एंड योर वतन की आजादी। हमारी तलाश में भटक रही है। तुम सब के सब कूच कर जाओ और ये मेरे साथ रहेगा। Thank you.
प्रोफेसर नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। पानी पियो, 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 पियो। प्रोफेसर, तुझे जिंदा रहना है, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे लिए प्रोफेसर, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। देर से आए हो, मैं कब से तुम्हारा मुंतजर था। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कहो अपने मुकद्दस बाप से कि इस बदबख्त को बचा ले, बचा ले, बचा ले, बचा ले। कि अब इसमें हमारी जिंदगी है, इसमें। ऑलराइट, इसकी ड्रेसिंग का इंतजाम करो और इसकी नर्सिंग के लिए रीटा को बुलाओ। इसे जल्द से जल्द रिकवर करना चाहिए। सहरा की झुलसती धूप और रेत ने जख्मों को खराब कर दिया। जख्म भरने में कुछ दिन लगेंगे। ये लो अपना पसंदीदा सिगार, हो सकता है इसकी खुशबू तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दे। क्या हुआ? मैं सर की वजह से परेशान हूं। हम लोग मारे मारे फिर रहे थे, फिर दुश्मनों से हमें पनाह भी मिल गई, लेकिन अब सर का कुछ पता नहीं चल रहा। तो आप क्या करें? अब तो यही एक सूरत बाकी है कि उन्हें तलाश किया जाए। लेकिन कहां? सर बार बार वैली ऑफ किंग्स का जिक्र कर रहे थे, वहां से उनका कोई निशान मिल सकता है। और फिर ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। सहरा की खाक छानेंगे, शायद कोई सूरत निकल आए। और अगर खुद खो गए तो? तुम्हारा हाथ थामे सहरा के रास्ते जन्नत में, और बस बोलो मंजूर।
वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा शिरका बर्बाद हुआ, मेरे अजीज साथी मुझसे बिछड़ गए। इस सारे नुकसान की तलाफी सिर्फ एक सूरत में हो सकती है कि तुम मुझे खजाने का पता बता दो, वरना इस खोपड़ी के पंख चौड़ा दूंगा। नहीं पारा भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। By God, it's up to my neck now. मैं तुम्हें सिर्फ दो दिन की मोहलत देता हूं। अगर इन दो दिनों में तुमने मुझे खजाने का राज नहीं बताया
तो इस राज के साथ तुम्हें सहरा में दफन कर दूंगा। टेक इट, लाउड एंड क्लियर। गुडनेस, गुड। क्या बात है फाराबी? फादर, ये बहुत सख्त जान है। ऐसा करो, इसे भगा दो। भगा दूं? लेकिन वो नक्शा, वो खजाने का राज, क्या हो गया है तुम्हें? जरूरी नहीं कि हर बात बताई और समझाई जाए। जैसा कहा है वैसा ही करो। इसका भी काम तमाम हुआ। डोंट वरी पार्टनर। आई एम नॉट वरीड डियर। बहुत परेशान थे बेटे। सर तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। हम दोनों भी आप ही को तलाश करने निकले थे। ये आपने क्या हालत बना रखी? इन बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। शायद यूं समझो हमारी मुहिम का आगाज अभी हुआ है। अब हमारे सफर बहुत बाकी है। आओ। प्रोफेसर, देख ले मैं तेरे सर पर पहुंच गया। रस्सा डालो और बाकी के साथियों को भी बुलाओ। हाँ,
Yeah!
चला जा प्रोफेसर, चला जा यहां से। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे इस खजाने का मालिक बनने से नहीं रोक सकती। चला जा, चला जा, नहीं तो मैं तुझे हलाक। सामरी के सुनहरी बछड़े के पुजारी सुन, ये सोना तेरी हवस का निवाला नहीं, मुसलमाना ने आलम की अमानत है। तेरी फिरौनियत का गवाह है। आज मैंने तुझसे तेरे हर जुर्म का हिसाब लेना है।